हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट नंबर सेकंड, सेल ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड। कल हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, सेकंड है आज प्लास्टिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल सच एज ए प्लांट सेल, बिकॉज प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेकंड ट्रंक्स, प्लास्टिड जो ट्रंक्स है वो दी थी अर्नेस्ट हेकल ने 1866। प्लास्टिड ट्रंक्स है उसको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। प्लास्टिड जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की सिमिलर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड में भी माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल सिमिलर सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम्स 70S टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जो प्लास्टिड होता है वो उसके फंक्शन, प्लास्टिड अपने मतलब कि सेल्फ के फंक्शन और कलर के बेसिस पर थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड क्लोरोप्लास्ट। कलर के बेसिस पर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो विदाउट कलर का होता है, विदाउट कलर का, और ये प्रेजेंट होता है नॉन ग्रीन सेल में। इनका मेन फंक्शंस जो है वो है फूड स्टोरेज का। ल्यूकोप्लास्ट जो है इनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में फूड जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है पोटैटो, राइस या फिर व्हीट। क्लियर? सेकंड, नाम से स्पष्ट हो रहा है लिपिडोप्लास्ट, ये फूड को लिपिड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, फूड को लिपिड के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर। एग्जांपल है ट्यूबरोज। थर्ड प्रोटीनोप्लास्ट, ये फूड को प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, एग्जांपल मैजिक ग्रेन। तो थ्री टाइप्स के हैं, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है दैट मींस क्रोमो दैट मींस कलर, क्रोमो दैट मींस कलर, इनकी कलरफुल होते हैं ये वाले। कैसे होते हैं कलरफुल? इनमें क्रोमोप्लास्ट जो होता है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कैरोटीनोइड्स। इनमें फोटोसिंथेटिक, क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स और इनका जो कलर होता है वो येलो और रेड कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है इनका कलर येलो और रेड कलर का होता है, वो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरोटीनोइड्स के कारण। क्लियर? और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लोवर होते हैं, फ्लोवर उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। कलर प्रोवाइड करवाने की बात, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर? कलर प्रोवाइड करवाने के पश्चात उनमें होता क्या है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इन प्लांट्स की तरफ अट्रैक्टिव होंगे और पोलिनेशन की जो प्रोसेस होगी उसको क्या करेंगे, कंप्लीट। सेकंड, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको रेड येलो कलर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके कारण जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। क्लियर? थर्ड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट जो है वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। फूड फॉर्मेशन का वर्क करते हैं। फूड फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में जितने भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको रेडिएशन एनर्जी की, मतलब कि रेडिएशन एनर्जी जो है उसकी प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं उन सभी को रेडिएशन एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब यदि हम इसकी बात करें क्लोरोप्लास्ट की, ये मेनली प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट में। क्लियर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया। क्लियर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्लियर। आप जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसकी उपस्थिति प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, प्लांट सेल में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं नंबर की, नंबर कितनी नंबर्स में मतलब कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, जितने भी हायर प्लांट्स उनमें इनकी नंबर होती है 20 to 40 के रूप में प्रेजेंट होते हैं इन ए फोटोसिंथेटिक लीफ में। एक जो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, फोटोसिंथेटिक लीफ, इनमें क्लोरोजोप्लास्ट, ये मेनली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। एक फोटोसिंथेटिक लीफ में इनकी जो संख्या है, नंबर है, वो होती है 20 to 40। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइज की। तो साइज जो है वो होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर। और ये एक जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक फोटोसिंथेटिक लीफ में इनकी नंबर होती है 20 to 40। साइज की बात करें, इनकी साइज होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ। क्लियर। अब यदि हम बात करें इसकी सेफ की, सेफ जो है वो हाइएस्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें डिस्क शेप होती है, डिस्क शेप। और आउटर जो है, आउटर से वो होती है, आउटर जो है आउटर से होती है सिलेंड्रिकल इन या सर्कुलर होती है। आउटर से यदि हम देखें तो कैसी होती है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल होती है। क्लियर। आउटर सर्कुलर। अब हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन, दैट मींस इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोटीन, प्रोटीन होती है 50 to 60% प्रोटीन होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट में। सेकंड लिपिड्स, लिपिड्स होती है 25 to 30% लिपिड होती है 25 to 30%। इसके अलावा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है 5 to 10%। क्लियर। कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स होता है 1 to 2%। डीएनए अप टू 25%, आरएनए 2 to 3%। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई,
मैग्नीशियम, आयरन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन जिसमें प्रोटीन होती है 50-60%, लिपिड्स 25-30%, क्लोरोफिल 5-10%, कैरोटीनोइड्स 1-2%, डीएनए अप टू 0.5%, आरएनए 2-3%, अनोदर विटामिन के, विटामिन ई, मैग्नीशियम और आयरन। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर की, जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर, और मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रास्ट्रक्चर। क्लियर। तो स्ट्रक्चर जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वो होता है मेम्ब्रेन, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड थाइलेकोइड, क्लियर। इसके तीन पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, फर्स्ट मेम्ब्रेन। तो नंबर एक पर बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन की, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बिल्कुल चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर जिसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर साइड उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों की दोनों जो लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों की दोनों स्मूथ होती है। दोनों की दोनों कैसे होती है? स्मूथ होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उससे कनेक्ट होती है आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इनर मेम्ब्रेन कनेक्टेड होती है थाइलेकोइड से, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं थाइलेकोइड्स, इसे क्या बोला गया है? थाइलेकोइड्स। क्लियर। किससे कनेक्ट होती है? इंटरनल मेम्ब्रेन थाइलेकोइड से कनेक्ट होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों की दोनों 90-100 थिक एंगस्ट्रॉम थिक होती है, 90-100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। क्लियर। ये तो थी इसकी फर्स्ट पार्ट मेम्ब्रेन, क्या क्या था? आउटर मेम्ब्रेन आउटर साइड की तरफ, इनर मेम्ब्रेन इनसाइड की तरफ, दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उनकी थिकनेस होती है 90-100 एंगस्ट्रॉम। आउटर मेम्ब्रेन कनेक्ट होती है ER से, इनर मेम्ब्रेन कनेक्ट होती है थाइलेकोइड से। क्लियर। सेकंड पॉइंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो मोर अबंडेंट पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, मोर अबंडेंट पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें 50% सोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 50% सोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? मैट्रिक्स में। ये जो डबल मेम्ब्रेन है इनसी जो घिरी हुई स्ट्रक्चर है बिल्कुल अंदर, वो है मैट्रिक्स। क्लियर। जिसमें 50% सोल्यूबल प्रोटीन होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर। थर्ड नंबर पे आता है थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये थाइलेकोइड्स हैं जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होती हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। ये थाइलेकोइड ये बीच में थाइलेकोइड एक इकट्ठा हुई है, यानी कि आपस में क्या होती हैं? इंटरकनेक्ट होती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ये थाइलेकोइड होती हैं
ये एक किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया पर, एक स्थान पर क्या होती हैं कि स्टॉक ऑफ क्वाइन सिक्के के रूप में व्यवस्थित होती जाती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जैसे ही सिक्के के ऊपर व्यवस्थित होती जाती हैं तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है ग्रेनम, वो स्ट्रक्चर कहलाती है ग्रेनम, क्लियर। और एक क्लोरोप्लास्ट में ये पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 40 to 60 ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स एक कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट में जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे वाली ये 40 to 60 प्रेजेंट होती हैं, इसको कंप्लीट को बोला गया है ग्रेनम। ऐसे ग्रेनम वाले स्ट्रक्चर एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेनम प्रेजेंट होती हैं। और जो एक जो ग्रेनम है, ईच ग्रेनम, एक ग्रेनम के अंदर 2 से 100 तक थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। इधर देखो ये थाइलेकोइड आपस में इंटरकनेक्ट है, ये थाइलेकोइड आपस में एक के ऊपर एक स्टॉक ऑफ कॉइन सिक्के के रूप में क्या होती जाएंगे, डिपॉजिट, और स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसी स्ट्रक्चर यानी कि ग्रेनम वाली स्ट्रक्चर 40 to 60 होती है, क्लियर। और एक ग्रेनम में ये वाली स्ट्रक्चर आपस में जुड़कर यानी कि एक ग्रेनम में 2 to 100 थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं दो प्रकार की थाइलेकोइड होती हैं, एक तो होती है ग्रेनम थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड है, ये भी थाइलेकोइड है, एक एक को यदि हम पढ़े तो ये कैसी होती हैं, थाइलेकोइड होती हैं। ये थाइलेकोइड आपस में कनेक्ट होकर ग्रेनल थाइलेकोइड बना रही हैं, ग्रेनल। और दो ग्रेनल थाइलेकोइड के बीच में जो थाइलेकोइड है सिंगल, वो कहलाती है इंटरग्रेनल ग्रेनल थाइलेकोइड, क्लियर। ये जो थाइलेकोइड होती हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर थाइलेकोइड वाली होती है जी, इसमें कि जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड, और जैंथोफिल। ये प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, और इन ये जो होती है एक ग्रुप के रूप में होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स और जेंटोफिल, ये ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होती है, और उस ग्रुप को बोला जाता है क्वांटासोम, क्वांटासोम। और रियली में क्वांटासोम ही फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है क्वांटासोम में। क्वांटासोम प्रेजेंट किस में होता है, थाइलेकोइड में। तो जो क्वांटासोम होती है ये यूनिट होती है फोटोसिंथेसिस की, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन, प्लास्टिड जो है उनके फंक्शन। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रूप में कैसे वर्क करेंगे, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, रेडिएशन एनर्जी के प्रेजेंस में, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इनको रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी की प्रेजेंस में चेंज कर देती हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कंपाउंड में, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट फोटोसिंथेसिस, सेकंड
एनर्जी ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को कंप्लीट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट लाइट जो है उसको ट्रैप कर लेता है, रेडिएशन एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उस रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और केमिकल जो एनर्जी होती है उसको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज, जितने भी ल्यूकोप्लास्ट हैं, फर्स्ट नंबर पे हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था विदाउट पिगमेंट, जो ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था वो सभी के सभी क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का वर्क करते हैं। क्लियर। नंबर फोर, कलरफुल, कलर प्रोवाइड करवाना। सेकंड जो हमने पढ़ा था क्लोरो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं जिसके कारण इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और पोलिनेशन की प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट। तो ये इनके मेन फंक्शन है किसके, प्लास्टिड के। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड एनर्जी ट्रांसडक्शन, थर्ड फूड स्टोरेज, फोर्थ कलर प्रोवाइड।